हेलो एवरीवन, तो कैसे हो भाई लोग। तो भाई हमारे पास आ चुका है फार्मिंग सिमुलेटर 23 का एक और नया मैप मॉड। भाई इसमें आपको एक नया मैप मिलने वाला है और इसमें भाई अनलिमिटेड मनी है हमारे पास, 2 बिलियन के करीब मनी है भाई। और सारे ज़्यादा से ज़्यादा जो भी इसमें भाई लॉक्ड रहते हैं ना, जो पेड रहते हैं ना, सारे व्हीकल अनलॉक्ड मिलने वाले हैं, फ्री में आप बाय कर सकते हो भाई। तो ये मैंने एक बाय किया, हमारा ये वाला जो सीडर है ये भी इसमें पेड है, और जो ट्रैक्टर है हमारे पास ये वाला भी भाई पेड है। तो यहाँ पर हमको सब कुछ फ्री में मिलने वाला है। तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि लार्ज ट्रैक्टर सेक्शन में जाते हैं ना भाई, तो यहाँ पे भाई देख लो आपके ये सारे पिछले 4 ओपन हैं, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा आपको। ये ट्रक भी ओपन है जहाँ पे, जो ब्लैक वाला आता है ये सबसे बेस्ट है यार। और हार्वेस्टर में भी आप देखोगे तो जो क्लास वाला रहता है ना वो लॉक रहता है, तो यहाँ पे हमको उसकी भी कोई टेंशन नहीं है। और जो सीडर है भाई वो वाले भी हमको यहाँ पे अनलॉक मिलने वाले हैं। तो भाई बहुत कुछ है। तो भाई यहाँ पे मैं फिल करवा रहा हूँ हमारे सीडर और फर्टिलाइज़र को भाई, यहाँ पे दोनों हमको एक ही जगह पर मिल जाते हैं। ये यार ओरिजिनल में सबसे अच्छा रहता है यार। मॉड्स वैसे कितने भी हो ना, लेकिन भाई बहुत सारी प्रॉब्लम रह जाती है, उसमें रिजॉल्व नहीं हो पाती है। एक सबसे बड़ी ना FS23 के मॉड में सीडिंग जो फिल करवाने का ना वो भाई बहुत आती है। तो इसको मैंने फिल करवा लिया, लेकिन भाई ये चल नहीं रहा। इसको क्या चक्कर पड़ गया भाई, पैसे नहीं पूरे मिले क्या इनको? पैसे तो शायद हमने दिए नहीं भाई इनको, तो शायद इसीलिए भाई चेक करते हैं। पता नहीं यार क्यों ये कल्टीवेट नहीं कर रहा भाई साथ में, मेरे को लग रहा है। तो ये चला के देखते हैं। हाँ यार ये तो चल रहा है भाई, छोटे वाला सीडर। हाँ देखो मैप पर भी चल रहा है। और कल्टीवेटर टेस्ट कर लें पहले। अरे यार ये भी चल रहा है, उसको क्या चक्कर पड़ गया भाई? तो भाई मेरे को लग रहा है मेरे को दूसरे वाला चेक करना पड़ेगा, एक नया बाय करके फिर पता चलेगा हमको क्या प्रॉब्लम है। तो एक छोटे वाला बाय कर लेते हैं जो सेकंड नंबर पे आता है। सीडर कहाँ है भाई? तो ये रैपिड रैपिड वाला हमने, अरे भाई जो बड़े वाला है ना हमने पहले बाय किया भाई, उसमें कल्टीवेटरी नहीं है यार। ये क्या बात हुई भाई, एक तो इन्होंने उसको प्राइस उसका बढ़ा के है ना लॉक कर दिया, और ऊपर से भाई 3-in-1 भी नहीं छोड़ा यार, 2-in-1 रह गया ये। तो फ़ायदा क्या भाई, एक तो पेड कर दिया, ऊपर से फंक्शन भी कम कर दिया यार। ये हमारा फार्मिंग सिमुलेटर 20 में 3-in-1 होता है, सीडिंग फर्टिलाइजर एंड कल्टीवेटिंग एक साथ करता है भाई, इसमें कोई चक्कर नहीं रहता। तो अभी दूसरे वाला बाय कर रहा हूँ मैं, तो इसको चेक करते हैं भाई कि ये वाला तीनों काम करेगा या नहीं करेगा। ये तो यार बड़ा डिसअपॉइंटिंग था यार। तो चलो इसको फिल करवाते हैं भाई। चलो 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 भाई, बैक बैक बैक। अरे यार इसमें सीडी आ रहा है यार भाई, इसमें भी है, इसमें भाई इसमें इन्होंने सिर्फ सीडिंग का ही छोड़ा है, सीडिंग और कल्टीवेटर। ये क्या बात हुई यार, कॉस्ट कटिंग के नाम पे। चलो भाई ये कल्टीवेटर और सीडिंग कर रहा है, और स्प्रे करना पड़ेगा आपको फर्टिलाइज़र। तो भाई सबसे जो मेरे को बेस्ट लगता है ना भाई, ये वाला ट्रक है इसमें, ये बहुत यार कूल लगता है, टेस्ला जैसा लगता है, टेस्ला का जो सेमाई आया है। तो चलो कोई बात नहीं भाई, तो हम करने वाले हैं थोड़ा सा भाई पावर टेस्ट। ये हमने बाय कर लिया सब सॉइलर, तो इसको टेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले भाई मैसी का जो सबसे छोटा ट्रैक्टर आता है ना उसको टेस्ट कर रहा हूं मैं, तो इसको देखते हैं भाई कितना खींच पाता है। वैसे तो खींच रहा है, ऐसा नहीं कि जवाब दे जाएगा भाई, मैसी है जे 7 पे 7 की स्पीड पर ले गया भाई, अपने साइज़ के हिसाब से बहुत ज़्यादा पावर है, ऐसी नहीं है। तो चलो इसको साइड पर लगाते हैं। आगे हमारे दूसरे नंबर पर है JCB। JCB तो भाई नाम से ही पावर झलकता है यार इसमें, ये तो ले जाएगा, उससे तो ज़्यादा ही लेके जाएगा ये, मेरे को ना इसको देख के लग रहा है भाई। और यार ये कैसा है भाई ये सब सॉलर जो, चलो भाई चलो 12 हो भाई, वो 7 पे था ये 12 पे है, ये 12 तो यार मेरे को लग रहा है टॉप स्पीड होगी इसकी यार, इसको तो कोई प्रॉब्लम है नहीं वैसे। चलो कोई बात नहीं, दूसरी चेक कर लेते हैं भाई। तो इसको हटा देते हैं भाई, ये दूसरे नंबर पर आ चुका है पहले तो। और मैं ना जो नीचे की तरफ जो है ना ऊंचाई पे नहीं लेके जा रहा, स्लोप पे है मतलब डाउन है, तो वहाँ पे चेक कर रहे हैं छोटे ट्रैक्टर को, ऊपर तो वो कम हो ही जाएगी उनकी पावर, नहीं लेके जा पाएंगे। तो ये वाला आ गया हमारा जो बिग ट्रैक्टर है ना लार्ज ट्रैक्टर सेक्शन में, वो वाला ये, इसको तो भाई कोई फ़र्क ही नहीं है, तो इसको ऊपर लेके जाते हैं। तो थोड़ी सी भाई स्पीड कम होती है जब भी इसको टर्न वगैरह करते हैं ना, तो थोड़ा 11 पे आ जाता है 12 की जगह पे, लेकिन फिर भी इतना मतलब प्रॉब्लम नहीं है। वैसे थोड़ा सा लोड तो लेता है भाई, लेकिन कोई चक्कर नहीं, फिर भी ले जाता है। तो अभी आखिरी वाला आ गया भाई हमारा जो पेड ट्रैक्टर है ना, इसको चेक करते हैं भाई। ये थोड़ी सी बेइज्जती ना करवा दे हमारी, वैसे देखने में तो भाई इसकी लुक्स बहुत ख़तरनाक है। तो अभी चेक हो जाएगा कि लुक्स ही है कि इसमें अंदर भी पावर है। तो इसको अटैच करता हूँ पहले मैं भाई, बेइज्जती मत करवाना प्लीज़। देखते हैं भाई ये कितनी स्पीड पे, ओके 12 की स्पीड पे तो भाई चल ही रहा है।
तो इसको पहले नीचे लेके जाते हैं, इसको चेक करते हैं कि लेके जाएगा ना सही सही। हाँ नीचे जाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई इसको, तो इसको टर्न करके ऊपर लेके ये तो भाई टर्न पे भी इसको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा, ज़्यादातर भाई 12 पे ही रह रहा है। और ऊपर भी लेके जाते स्लोप पे तो कोई टेंशन नहीं है भाई। ये भाई है पैसा वसूल है भाई, पैसा वसूल है यहाँ पे। तो भाई आज का हमारा जो विनर है वो ये आपके सामने है भाई, ये तो बहुत ही अच्छा था यार। तो अभी मैं आपको ना दूसरे वाला भी दिखा देता हूँ भाई, जो हमारा दूसरा मैप है वो आप देख लो कि ये कुछ ऐसा लगता है। इसमें भी आपको सारे जो भी उसमें व्हीकल मिलते हैं ना वो वाले सारे मिल जाएंगे, और साथ में जो पैसे मिल रहे हैं 2 बिलियन इसमें भी आपको मिलने वाले हैं। इसमें थोड़ा ना ग्राफिक्स आपको हाई लगेगी, और ये इसका मैप है, छोटा सा मैप है। तो आई होप भाई आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।